गर्भावस्था आशा, खुशी और आनंद का समय है। कई महिलाओं के जीवन में इस चरण का सामना करना चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि वह कई उतार चढ़ाव और अन्य असुविधाओं से गुजरती हैं। आज हम आपको इसी संबंध में एक ऐसे स्रोत के बारे में बताएंगे, जिसका श्रवण और पठन कर गर्भाधान से संबंधित समस्त समस्याओं विपदाओं से छुटकारा पा सकती हैं। यह स्रोत गर्भावस्था के दौरान खुद को सकारात्मक और तनाव मुक्त रखने के साथ साथ गर्भ में पल रहे बच्चे को शारीरिक, मानसिक और अन्य सभी प्रकार की विपदाओं से बचाएगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार स्वयं भगवान शिव ने ऋषि बुद्ध कौशिक को स्वप्न में आकर राम रक्षा स्त्रोत का पाठ सुनाया था। प्रातः काल बुद्ध कौशिक ऋषि ने अक्षरण सा उसे संस्कृत में लिखा। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा और तन्मयता के साथ भगवान श्री राम को समर्पित इस स्त्रोत का पाठ करता है, भगवान राम उसकी हर संकट से रक्षा करते हैं, उसकी हर समस्या का समाधान करते हैं। मान्यता अनुसार यह स्त्रोत व्यक्ति के चारों ओर सुरक्षा कवच बनाता है, जिससे कि वह बाहरी किसी भी विपदा, परेशानी या संकट से बचा रहता है। श्री राम रक्षा स्त्रोत बेहद प्रभावी है, इसलिए गर्भावस्था में श्री राम रक्षा स्त्रोत का पाठ बेहद फलकारी है, जिससे घर में पल रहे शिशु की हर संकट से रक्षा होती है। साथ ही यह गर्भावस्था में हर तरह की विपत्तियों से रक्षा करता है। नित्य पाठ करने से सभी कष्ट दूर होते हैं, मनुष्य भय रहित होता है। इसका पाठ दीर्घायु, सुखी, संतिवान, विजयी और इसका पाठ करने से मंगल का कुप्रभाव भी समाप्त होता है। पाठ करने की विधि इस प्रकार है, पहले हाथ में जल लेकर इस मंत्र को पढ़ें, अब जल को जमीन पर छोड़ दें और फिर भगवान राम का ध्यान करें, उसके बाद नीम स्त्रोत का जाप करें। श्री राम रक्षा स्त्रोत इस प्रकार है।